जिला राजौरी से एक दुखद समाचार जो है वो सामने आ रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक आर्मी कैप्टन जो है वो शहीद हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूनिक न्यूज़ और मैं हूं रोहित सेन। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जिला राजौरी के कालाकोट के बाजीमाल इलाके की अगर बात करें, तो जिला राजौरी के कालाकोट के बाजीमाल इलाके में जो है वो एनकाउंटर जो है वो कुछ ही देर पहले यानी कि दोपहर के समय जो है एनकाउंटर शुरू होता है। और सबसे बड़ा अपडेट निकल कर सामने ये आ रहा है कि एक आर्मी कैप्टन जो है वो शहीद हो चुके हैं और साथ ही साथ तीन आर्मी जवान जो है वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं। क्या कुछ पूरी सिचुएशन रही उसके बारे में मैं अपने सभी दर्शकों को जो है वो ज़रूर बताना चाहूँगा। मैं आपको बता दूँ कि अगर हम पिछले दो तीन दिनों की बात करें तो दो तीन दिनों में क्या कुछ घटनाएँ जिला राजौरी में जो है वो घटित हो रही है। मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही इनपुट्स मिले, ये खबर सामने आई कि दो से तीन आतंकवादी जो है बाजीमाल इलाका कालाकोट के बाजीमाल इलाके में जो है घूमते हुए दिखाई दिए, तो जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद जो है वो लगातार दो से तीन दिन तक जो है ये सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू चलता रहा और आज दोपहर की अगर हम बात करें, ये सर्च ऑपरेशन जो है वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ, यानी कि दोनों तरफ से जो है वो भारी मात्रा में जो है वो गोलीबारी हुई और जिसमें जो है सर्च ऑपरेशन ने जो है एनकाउंटर का जो है वो रूप लिया। और सबसे बड़ी खबर फिलहाल के लिए यही सामने आ रही है, राजौरी के कालाकोट के बाजीमाल इलाके से ये खबर सामने आ रही है, जहाँ पे दुखद समाचार है कि आर्मी का एक कैप्टन जो है वो शहीद हो चुका है और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके अलावा तीन आर्मी के जवान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। ये कुछ खबर है जिला राजौरी के कालाकोट के बाजीमाल इलाके से जो है सामने आ रही है। इसी बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि जो दो से तीन आतंकवादियों को जो है वो घेरा किया गया है, दो से तीन आतंकवादियों का घेराव किया गया है, परंतु अभी तक कोई भी आतंकी जो है वो मारा नहीं गया है। ये खबर जो है वो सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। हालांकि अभी तक जो है किसी प्रकार की पुष्टि जो है वो आर्मी द्वारा नहीं की गई है, आर्मी ऑफिसर्स द्वारा अभी जो है इसकी पुष्टि नहीं की गई है, परंतु सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि आर्मी के एक कैप्टन जो है वो शहीद हो चुके हैं और साथ ही साथ तीन जवान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। परंतु अभी तक मैं आपको बता दूं कि कॉर्डन में जो है लगभग दो से तीन आतंकी छुपे होने की जो है वो संभावना बताई जा रही है और लगातार जो है वो ऑपरेशन जो है वो जारी है। पिछले दो से तीन दिनों की अगर हम बात करें तो राजौरी में जो है ये दूसरा जो है वो एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ। पहले जो है अगर हम बात करें, पहला एनकाउंटर जो है वो राजौरी के बुद्धल इलाके में हुआ, जहाँ पे एक आतंकवादी को जो है मार गिराया गया और लगातार अब जो है ये दूसरा जो एनकाउंटर है, जो कि पहले सर्च ऑपरेशन था तीन दिन तक जो है लगातार बाजीमाल इलाके में, राजौरी के कालाकोट के बाजीमाल इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान ये बताया गया कि दो से तीन आतंकवादी छुपे होने की जो संभावना जो है बताई जा रही थी। जैसे ही उन्हें कॉर्डन में लिया गया तो फायरिंग जो है शुरू हुई और सर्च ऑपरेशन ने जो है एनकाउंटर का रूप ले लिया। फिर से मैं आपको एक बारी बताना चाहूँगा कि ये दुखद समाचार है जो कि राजौरी के कालाकोट के बाजीमाल इलाके जो है सामने आ रही है, जहाँ पे एक आर्मी कैप्टन जो है वो शहीद हो चुके हैं और साथ ही साथ तीन आर्मी जवान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। जैसे ही कोई ये नया अपडेट जो है सामने आता है, हम आप सभी के समक्ष जो है वो ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, आप जुड़े रहिए द यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं रोहित सेन, वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ, नमस्कार।